सभी गुरुजनों को प्रणाम। आप लोगों ने बच्चों का नेट एग्ज़ाम कराकर उनकी OMR सीट को स्कैन कर लिया होगा। अब आपकी ये इच्छा हो रही होगी कि जिन बच्चों की OMR सीट स्कैन की है उनकी रिपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगी। नेट एग्ज़ाम में बच्चों की स्कैन OMR सीट की रिपोर्ट कैसे देखें, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेरणा पोर्टल पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे। सबसे ऊपर बाईं तरफ जो पड़ी हुई तीन लाइनें दिख रही हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करें, सबसे नीचे आप देखेंगे सरल एग्जाम असेसमेंट एनालिटिक्स सेशन 2023-24, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके द्वारा स्कैन की हुई OMR सीट की डिटेल आ जाएगी। मैंने अभी तक की नहीं इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। OMR सीट स्कैन करने के बाद आपको ये डिटेल दिखाई पड़ेगी, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट यूनिक आईडी, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट एग्जाम स्टेटस, बच्चा प्रेजेंट था या एब्सेंट था। स्टूडेंट स्कैन स्टेटस में आप देख सकते हैं जिन बच्चों की OMR सीट स्कैन हो गई उनके सामने स्कैन लिखा है, और जिन बच्चों की OMR सीट स्कैन नहीं की गई है उनके सामने नॉट स्कैन लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपको विद्यालय के कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और कितनों ने परीक्षा नहीं दी है देख सकते हैं, और साथ में ये भी देख सकते हैं कि कितने बच्चों की OMR सीट स्कैन की हुई है और कितने बच्चों की OMR सीट स्कैन नहीं हुई है। धन्यवाद।